गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में यूनिट फोर्थ हम इससे पहले वाले वीडियोज में कर चुके हैं, जिसमें था अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू पार्ट्स में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है वो यूनिट फोर्थ में था जो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट टॉपिक था अपना उसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद में यूनिट फिफ्थ है, उसमें उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बचा हुआ से इस पार्ट है, उसको लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के नाम से, उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसमें आएगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, यानी उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ये अपने को पता है कि जो एक सेल बनाते हैं उस सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो होता है कैथोड और दूसरा कौन सा होता है एनोड होता है। जो अपन पूरा कंप्लीट शेल बनाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो जितने प्रकार के सेल होते हैं, चाहे उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, सभी सेलों में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो रहेगा उसमें कैथोड और दूसरा कौन सा होता है एनोड होता है। एनोड वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है। और कैथोड को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर जैसे हम इस प्रकार से सेल बनाएंगे तो सेल में जो दो इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं इसमें से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं हम कहेंगे कि ये क्या है एनोड है, और यदि यहाँ पे नेगेटिव हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है कैथोड है। तो सेल दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना हुआ होगा, एक जिसके ऊपर ऋणावेश होता है उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जिसे कैथोड के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड जिसे हम एनोड के नाम से जानते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड हो गए। अब सभी सेलों में इलेक्ट्रोड्स हैं वो अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं, मोस्टली जो इलेक्ट्रोड्स हैं इलेक्ट्रोड्स किससे मिलकर किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, और सभी सेलों में जो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या रहेंगे अलग रहेंगे। जैसे कि अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, तीन चार सेल हैं, जरूरी नहीं हो सकता है चारों में इलेक्ट्रोड एक जैसे हो सकता है चारों में अलग अलग हों, कि थोड़ा सेम होगा किसी में एनोड सेम होगा किसी में अंदर, ये दोनों ही क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो हम उस वहाँ पे कैसी रिएक्शन हमें करवानी है, उस रिएक्शन और वहाँ रिएक्शन की जो कंडीशन होती है परिस्थितियाँ उसके अनुसार यहाँ हम इलेक्ट्रोडों को चेंज कर सकते हैं। उसी के अनुसार हम इलेक्ट्रोड क्या रखेंगे यहाँ पे अलग अलग रखेंगे। अब देखें इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स क्या रखने हैं अपने को यहाँ पे अलग अलग रखने। अब पढ़ने के अपने को रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स पढ़ने, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं वो निम्न प्रकार के होंगे। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स टाइप में गैस आयन इलेक्ट्रोड्स, गैस आयन इलेक्ट्रोड फर्स्ट टाइप है, हिंदी में भी यही नाम रहेगा इसका गैस आयन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स में गैस और उसके आयन, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा गैस और उस गैस के आयंस एक दूसरे के क्या होते हैं कॉन्टैक्ट में होते हैं। इस इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये होता है कि कोई गैस और उसी गैस के आयन एक दूसरे के क्या होते हैं कॉन्टैक्ट में होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोड्स क्या होगी यहाँ पे इनर्ट मेटल की कोई वो धातु की छड़ होगी। इनर्ट मेटल का मतलब जैसे प्लेटिनम धातु है जो खुद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स पे केमिकल रिएक्शन होगी उसमें तो ये मेटल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट भी कर सकती है इलेक्ट्रॉनों को ले भी सकती है। और इनर्ट मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था शायद फेराडे के लॉ में पढ़ा था इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड को। इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो क्या करते हैं केवल साइट प्रदान करते हैं, केवल स्थय प्रदान करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए, जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं वो उस रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा कि इसमें मुख्य रूप से किसी धातु की छड़ और उसके जो विलयशील आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, धातु की छड़ एक गैस और उसके विलयशील आयनों के संपर्क में होती है। गैस और उस गैस के आयनों के संपर्क में क्या रहेगी यहाँ पे धातु की छड़ वो रहेगी। तो इसमें लिखेगी इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों में धातु की छड़ यहाँ पे प्लेटिनम या ग्रेफाइट की होगी, धातु की छड़ है वो गैस और उसके विलयशील जो आयंस होते हैं उसके कांटेक्ट में रहती है। इसका मतलब ये होता है गैस आयन इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, और यहाँ पे मेटल के रूप में किसका यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोड्स बनाने में, या तो हम प्लेटिनम का यूज करेंगे या फिर हम ग्रेफाइट का मतलब है कार्बन की छड़ का यूज करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोड्स है इसके अंदर गैस आयन इलेक्ट्रोड का फर्स्ट टाइप है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
फर्स्ट टाइप रहेगा इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का गैस इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होती है तब तो ये होगी H2 और इसके आयंस बनेंगे H पॉजिटिव के रूप में तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इस प्रकार से लिखेंगे H2 गैस आयन तो गैस और उसके आयन एक दूसरे कॉन्टेक्ट में इसलिए ये लाइन यहाँ पे लगाई हुई है ये गैस है और ये वाले इस गैस के क्या है आयंस है। इसमें होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक सॉल्यूशन होता है एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड से वो डूबा हुआ रहता है। अब इसका पहले हम क्या करते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चलो तो आगे आएगा वहां पे बनाएंगे। तो इसमें क्या था कि इसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर प्लेटिनम का क्या रहेगा इलेक्ट्रोड रहेगा तो मेटल के रूप में किसका यूज किया है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड से जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब उस सॉल्यूशन में क्या है एच पॉजिटिव आयंस है वो प्रेजेंट है। ठीक है अब इस इलेक्ट्रोड्स के चारों ओर एक जैकेट बनाया हुआ होगा उसके अंदर हम कहें और यहाँ पे जो एच पॉजिटिव आयंस है ना उसकी कंसेंट्रेशन क्या रहेगी 1 मोलरिटी और जो इलेक्ट्रोड्स होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसमें जो प्लेटिनम की छड़ होती है उसके चारों ओर ऐसे करके एक जैकेट बनाया हुआ होता है और उस जैकेट में हम क्या प्रवाहित करते हैं 1 atm प्रेशर पे H2 गैस है वो प्रवाहित करते हैं। जी हमें बोला ये H2 इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसमें क्या रहेगा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना तो H2 गैस होगी तो गैस तो यहाँ आ गई कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया है एसिडिक सॉल्यूशन भरा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से होता है जनरल इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड्स होता है इसमें सॉल्यूशन एसिडिक होता है जिसमें एच पॉजिटिव आयन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी होती है और यहाँ पे इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक जैकेट बनाया हुआ होता है जिसमें हम 1 atm प्रेशर पे H2 गैस को प्रवाहित करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है H2 गैस प्रवाहित की गई है कितने पे 1 atm प्रेशर पे H2 गैस भी है तो यहाँ पे जो H2 गैस है और यहाँ पे क्या है एच पॉजिटिव आयन है वो एक दूसरे के क्या है कॉन्टेक्ट में और जो गैस होती है उसी गैस के आयंस है वो उसके साथ में क्या रहेंगे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। अब इसमें बोला कि यदि यहाँ पे गैस है यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रोड में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो H2 गैस को 1 atm पे प्रवाहित किया गया हो और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 290 केल्विन हो तब इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन लिखने आए तो उसमें आएगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यदि एसिडिक सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयनों की कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो और यहाँ जैकेट में प्रवाहित की गई जो H2 गैस है वो 1 atm पे प्रवाहित की जाए यानी उस गैस का दाब क्या हो 1 atm हो और ये सब 298 केल्विन पे किया जाए तो इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हिंदी में बोलते हैं हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से इसे जाना जाता है और इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है 0 होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसका 0 होता है इसको इस प्रकार से लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव 0 है तो EH पॉजिटिव H2 इज इक्वल टू 0 इस पे लिखें H2 H पॉजिटिव क्या होता है 0 होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा 0 तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया 0 आ गया। अब इस सेल को हम किस प्रकार से इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा वो देखें इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे देखें यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड डायग्राम इतना सा लिखने के बाद में इलेक्ट्रोड डायग्राम बनेगा उसमें पता है प्लेटिनम धातु है प्लेटिनम वाला ये इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड के साथ में क्या है H2 गैस है तो डैश लगा के H2 गैस है प्रेशर लिखेंगे साथ में ब्रैकेट में 1 atm पे उसके बाद में हम क्या लिखेंगे ये किसके कॉन्टेक्ट में यहाँ H पॉजिटिव आयंस है उनके कॉन्टेक्ट में और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलरिटी है। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे प्लेटिनम किसके कॉन्टेक्ट में H2 1 atm गैस तो इसके पास में जा रही है किसके कॉन्टेक्ट में इस H पॉजिटिव आयनों की कंसंट्रेशन है जो कि हम 1 मोलरिटी मान रहे हैं उसके कॉन्टेक्ट में। तो सेल डायग्राम है सॉरी इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड डायग्राम को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।
अब इसकी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन जो अक्वस स्टेट में है, सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन जो अक्वस स्टेट में है, वन मोलर कंसेंट्रेशन है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन लेकर के वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रॉन दोनों डायरेक्शन में चलेगा, तो ये बनाएगा हाफ एच टू वन एटीएम का फॉर्मेशन है यहाँ पे हो जाएगा, हाफ एच टू वन एटीएम। अब पता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन है क्योंकि एच टू वन एटीएम पे बन रही है और ये क्या है, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन वन मोलर है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव उसको लिखेंगे 0.00 वोल्ट से इसे हम लिखेंगे। ये तो कब है, जब यहाँ पे क्या हो स्टैंडर्ड कंडीशन हो, यानी ये वन मोलरिटी का हो, ये 1 atm पे हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो। लेकिन यदि तीनों ही कंडीशन नहीं हो तब हम इलेक्ट्रोड विभव किससे ज्ञात करें, तब जीरो नहीं आएगा। यदि यहाँ पे हम टेम्परेचर चेंज कर दें 298 केल्विन से तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव जीरो भी नहीं होगा। तो अब इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा उसे हम देखते हैं नेन्सर्ट समीकरण से। देखें तो उसे हम किससे देखेंगे, नेन्सर्ट समीकरण से। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि यदि इन तीनों स्टैंडर्ड कंडीशन में से कंडीशन एक भी कंडीशन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, तब इस इलेक्ट्रोड का और इस सेल रिएक्शन का जो हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे ई की वैल्यू वो हम ज्ञात करेंगे नेन्सर्ट इक्वेशन से। नेन्सर्ट की समीकरण वो आपके आगे है लेकिन अपन इसके लिए पढ़ लेते हैं एक बार, नेन्सर्ट समीकरण उसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो वो किसके इक्वल होगा, ई एच पॉजिटिव एच टू इज इक्वल टू ई नोट एच पॉजिटिव एच टू माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ वन अपॉन में एल एन वन अपॉन में क्या बोल रहे हैं H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव और H2 है उसका यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखी जाएगी प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट में तो अपने H2 आयन है और इसकी तो कुछ कंसंट्रेशन होती नहीं है, कंसंट्रेशन यहाँ पे आयंस की है, आयंस है वो क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो ये नीचे लिखा गया, प्रोडक्ट की जगह वन लिख दिया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे समीकरण प्राप्त हो जाएगी। एन की वैल्यू अपने को पता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ इक्वेशन में, तो n की जगह एक रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन है वो बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तब उसमें उसका इलेक्ट्रोड विभव इस इक्वेशन से ज्ञात करेंगे। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोड विभव e नोट की वैल्यू अपने को पता है ये क्या है जीरो, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे जीरो रखेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखें इसकी क्या बनेगी, देखें नेक्स्ट में चेंज क्या करना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड विभव ये जीरो है ये हम देखे हैं यहाँ से, ये वाला इसको हम H पॉजिटिव H2 करके लिख सकते हैं। और साथ में अपने को पता है कि Ln इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 log के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी अपनी ई एच पॉजिटिव एच टू इज इक्वल टू ये जीरो है, जीरो को इसमें लिखेंगे माइनस में आर टी अपॉन में एफ 2.303 log 1 अपॉन में एच पॉजिटिव लिख दिया ना। इस वाले इक्वेशन केवल ln की जगह हमने लिखा है 2.303 log। उसके बाद में देखें उसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, इसने बोला कि 298 केल्विन पर R और F के मान यदि रख दिए जाएं, यदि हमें यहाँ पे टेम्परेचर रखें 298 केल्विन, इसकी वैल्यू रख दें अपन 8.314 जूल वाले और फेराडे तो सही 96,500 ये रहेगा इन सभी की। ये बोला कि 298 केल्विन पर R और F की वैल्यू रखने के बाद जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो लास्ट में अपने को ये मिलेगी यहाँ से जीरो माइनस में 0.05911 यहाँ पे आएगा log 1 अपॉन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे अपन 298 केल्विन पर R और F की वैल्यू रखेंगे, T के जगह 298 केल्विन रखेंगे, तो ये बनेगी अपना E H पॉजिटिव H2 इज इक्वल टू माइनस में 0.0591
एच पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको हम ज्ञात करेंगे, सो ये 0.05 में एक नहीं आएगा, पूरे को सोल्व करने के बाद में आएगा ये। अब इससे पहले अपने को क्या बनानी है, इसकी पीएच बनानी है। अपने को पता है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में लॉग एच पॉजिटिव। ये क्या है, लॉग वन अपॉन में एच पॉजिटिव। इसको यदि हमें माइनस में करना हो तो क्या करेंगे, एच पॉजिटिव उठा के ऊपर लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। तो लॉग एच पॉजिटिव है वो किस में आ गई, माइनस में आ गई। माइनस में लॉग एच पॉजिटिव इसके हम क्या रख सकते हैं, पीएच नाम रख सकते हैं। तो इस पहले वाले की वैल्यू तो कितनी आएगी, माइनस में 0.059 आएगी। इतने को सोल्व करेंगे तो इसमें एच पॉजिटिव ऊपर से देखा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस में लॉग एच पॉजिटिव हम बोलते हैं पीएच, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, पीएच। और यदि हमें उस सॉल्यूशन की पीएच पता हो तो इस समीकरण की हेल्प से हम उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए विलयन की जो पीएच है ना, वन मोलरिटी का हमने जो रखा है यहाँ पे एच पॉजिटिव आयनों वाला जो एसिडिक सॉल्यूशन रखा है ना, उसकी पीएच पता होने पर हम इस समीकरण से डायरेक्ट उसकी इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड देख लेते हैं इसके अंदर गैस इलेक्ट्रोड्स में, सेकंड रहेगा अपना क्लोरीन इलेक्ट्रोड। फर्स्ट तो ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेकंड हो जाएगा इसके अंदर क्लोरीन इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में सेकंड रहेगा गैस आयन इलेक्ट्रोड्स में सेकंड रहेगा क्लोरीन इलेक्ट्रोड। सेकंड इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इसमें भी क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा, इसमें हम मेटल रोड है इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करेंगे ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट की जो रोड होती है ना कार्बन से बनी, कार्बन का ये अपर रूप होता है ग्रेफाइट, इसकी रोड का हम इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन अपने को क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन गैस के क्या होना चाहिए, आयन्स होना चाहिए। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं लेंगे हम जिसमें क्या हो सीएल नेगेटिव आए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एचसीएल का सॉल्यूशन ले लेंगे जिसमें क्या हो सीएल नेगेटिव के आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस सॉल्यूशन में HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें ग्रेफाइट की छड़ है वो डूब ही जाएगी, इस प्रकार से बनेगा सेम इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की छड़ है उसको यहाँ पे HCl के सॉल्यूशन में डुबो दिया जिसमें Cl नेगेटिव आयन है और ये कार्बन यानी ग्रेफाइट की क्या है रोड है जो इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करें। अब सेम वैसा ही है कि इसके चारों एक जैकेट बना देंगे और उस जैकेट में हम क्या करेंगे Cl2 गैस है उसको प्रवाहित करेंगे, जो ग्रेफाइट वाला ये इलेक्ट्रोड्स ना इसके चारों के जैकेट में हम Cl2 गैस को यहाँ पे प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन होगी इस इलेक्ट्रोड्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इलेक्ट्रोड इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पे तो हो जाएगा इलेक्ट्रोड अपना ग्रेफाइट वाला, ग्रेफाइट ग्रेफाइट के साथ में होगी Cl2 गैस और उसके साथ में क्या होंगे Cl नेगेटिव है, इस प्रकार से हम इस इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें सेल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, सॉरी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो Cl2 गैस होगी दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी और ये बना लेगी यहाँ से 2Cl नेगेटिव आयन, ये गैस है और ये यहाँ पे क्या हो गए आयन्स, हो ये रहेगी इसकी गैस रिएक्शन सॉरी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये रहेंगे यहाँ पे एक्वस फॉर्म में। अब इसके लिए अपने को क्या लिखनी है, नेंसर्ट समीकरण है वो लिखनी है। तो इस इलेक्ट्रोड ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है नहीं, ना ही यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, तो जब ये यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ही नहीं है तब हम क्या लिखेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव उसको हम किससे ज्ञात करेंगे, नेंसर्ट समीकरण है उसकी हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए नेंसर्ट समीकरण रहेगी Cl2 से क्या बनाना है Cl नेगेटिव, ठीक है। रिडक्शन वाला चल रहा है अपने को, तो ये Cl2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Cl नेगेटिव रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब, तो यहाँ पे हमेशा लगेगा इसी रिडक्शन का स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो इलेक्ट्रोड विभव माइनस में Rt अपॉन में Nf और Ln, ऊपर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या है Cl नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन
और नीचे क्या लिखा जाएगा सीएल टू, यहाँ पे जो पी सी एल टू गैस है उसका क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे। पी का मतलब है कि सी एल टू गैस का यहाँ पे क्या लिखना है, प्रेशर लिखना है। और यहाँ पे सी एल नेगेटिव दो थे तो यहाँ पे हम क्या लिखा देंगे, इसकी पावर में टू है वो कर देंगे। अपने को पता है इस इक्वेशन में एन क्या है कि इस प्रोसेस के दौरान ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, दो, तो यहाँ पे एन की जगह हम क्या लिख देंगे, दो भी लिख सकते हैं। तो दो लिखने से समीकरण क्या बनेगा, देखें, दो लिखने से ये समीकरण चेंज हो जाएगी, आ जाएगी ई सी एल टू सी एल नेगेटिव इज इक्वल टू ई नोट सी एल टू सी एल नेगेटिव माइनस में आर टी अपॉन में टू एफ, और वही आ जाएगा 2.303 लॉग सी एल नेगेटिव की स्क्वायर और पी सी एल, ये वाला। तो इस वाले इक्वेशन से हम इस क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड या क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखें एक लास्ट इलेक्ट्रोड सोलह, इसमें ये जो गैस इलेक्ट्रोड्स के टाइप है ना, लास्ट एक इलेक्ट्रोड सोलह, हालांकि वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके सिलेबस में तो उसको पढ़ लेते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोड रहेगा आपके गैस आयन इलेक्ट्रोड्स में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स, हालांकि वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड नहीं है। कारण ये है कि उसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है सेल रिएक्शन, वो संपन्न नहीं हो पाती है। इस कारण से वो सेल केवल एक डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रोड केवल एक डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है, इसलिए वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड नहीं है। लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, सेम है कि ओ टू गैस होगी, ओ टू गैस, तो इस गैस के आयंस क्या होते हैं, ओ एच नेगेटिव आयंस होती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसा लेना है जिसमें क्या हो, ओ एच नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। और इलेक्ट्रोड्स कौन सा रहेगा इसके अंदर, तो हम बोलेंगे प्लेटिनम का क्या लगाना है आपको, इलेक्ट्रोड लगाना है। सेम वही है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के चारों ओर के जैकेट में ओ टू गैस है, उसको हमें प्रवाहित करना है 1 atm प्रेशर पे, या फिर हो सकता है यहाँ पे प्रेशर कोई क्या हो, दूसरा हो, कंसिडर नहीं करें प्रेशर को, ओ टू गैस प्रवाहित करेंगे, उसी प्रकार से एक जैकेट बना हुआ होगा। और ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है वो ओ एच ऐसा विलयन जिसमें ओ एच नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो उसके सोल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। अब यहाँ पे अपने उस सेल को किस प्रकार से शो करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में होगा, ओ टू गैस है और ओ एच नेगेटिव आयंस है, प्लेटिनम ओ टू ओ एच नेगेटिव आयंस। इसी प्रकार से पहले इलेक्ट्रोड, फिर गैस होगी चाहे एच टू गैस हो चाहे सी एल टू गैस हो, उसके बाद में इस गैस के यहाँ पे क्या रहेंगे, आयंस रहेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में इस इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शन को हम किस प्रकार से लिखते हैं कि ओ टू गैस है, टू एच टू ओ सोल्यूशन के रूप में लेगी, एच टू यहाँ सोलवेंट के रूप में लिखा गया, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो ये बनाएगी 4OH-। अब ये बोला गया है कि इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होती है कि 4OH- आयंस मिलके ओ टू बनाए और 4H2O बनाए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुई ना यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये रिवर्सिबल नहीं है, देखो ऐसा ही साइन लगाए, यदि ये इस डायरेक्शन में हो ऐसा साइन लगाओ तब तो ये क्या है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस कारण से ये क्या है, एक अनुत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है वो माना गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स नेनसेट वाले समीकरण लिखेंगे। तो इसके लिए जो नेनस्ट की इक्वेशन रहेगी जिससे हम इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, वो रहेगा ई ओ टू ओ एच नेगेटिव इज इक्वल टू ई नोट स्टैंडर्ड, इसी को लिखना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना है, यानी ये कब है, ये वाला तब है जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर 1 atm हो और OH नेगेटिव आयनों की कंसंट्रेशन 1 atm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OH नेगेटिव माइनस में RT अपॉन में NF। अब N की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 4 है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिख देंगे सीधी, और यहाँ पे LN और ऊपर लिखा जाएगा ये प्रोडक्ट में क्या है, OH नेगेटिव आयन है और 4 है तो इसकी पावर 4, और यहाँ पे लिखा जाएगा O2 गैस का प्रेशर। अब अपने को पता है LN इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग होता है, यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, ई ओ टू ओ एच नेगेटिव इज इक्वल टू ई नोट ओ टू ओ एच नेगेटिव माइनस में आर टी अपॉन में 4F और यहाँ पे 2.303 लॉग ओ एच नेगेटिव की पावर 4 अपॉन में पी ओ।
इस वाले इक्वेशन से हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका इतना। उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स हैं वो आएंगे मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। इस बार आयन्स तो हैं, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड ना, गैस आयन इलेक्ट्रोड, उसमें आयन तो है लेकिन गैस की जगह रख दी हमने मेटल रख दी, तो उन इलेक्ट्रोडों का नाम हो जाएगा जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के रूप में कार्य करते हैं। उसमें फर्स्ट कैटेगरी थी गैस आयन इलेक्ट्रोड और सेकंड हैगी मेटल आयन इलेक्ट्रोड। चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि गैस की जगह इस बार क्या आएगी, कोई मेटल आएगी और उसी मेटल के क्या आएंगे, आयन्स आएंगे। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।